नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप शिखा। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा है। साल 1950 में हिंदी को संघीय भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला, जिसके बाद हिंदी भाषा का उपयोग भारत के सभी सरकारी कामकाजों में आधिकारिक भाषा के रूप में किया जाने लगा। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आजादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में हिंदी दिवस की घोषणा की। इस दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्म दिन था। इस कारण हिंदी दिवस श्रेष्ठ माना गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सेठ गोविंददास आदि साहित्यकारों ने अथक प्रयास किए, जिसके बाद में हिंदी भाषा सबसे व्यापक रूप से बोली जाने लगी, जिसमें 52.8 करोड़ लोग, जो लगभग भारत की आबादी के 43.6% हैं, जो हिंदी को अपनी मातृभाषा घोषित करती है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के मोका गांव में स्थित है। ये सचिवालय 11 फरवरी 2008 से कार्यरत है। आपको आगे बताते चले कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ साथ राष्ट्रभाषा नीति भी लागू हुई। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आजादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, और इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। एमके न्यूज की विशेष रिपोर्ट।